Assemblies of God पिछले 10 साल में एक आशा और विश्वास की ऐसी समुदाय बना है जिसे परमेश्वर ने अपने सम्मुख से आशीषित कर और हमें अब तक अगुवाई करते रहे। में मेरे पासबान ने मुझे एक हिंदी कलीसिया में काम करने के लिए चुना और मुझे वो मौका दिया। और जब मेरे पासबान ने कहा कि एक हिंदी कलीसिया हमें शुरू करनी चाहिए तो मेरा दिल इतनी खुशियों से भर गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए कुछ चुना गया है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। और कलीसिया शुरू करना और कलीसिया में काम करना बहुत आसान बात है। जब उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की, उन्होंने अपना दर्शन मुझसे शेयर किया और मुझे बहुत ही, हमारे लिए एक नई बात थी, क्योंकि हम बहुत ही डिपेंडेंट है जहाँ पर हम काम कर रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वहाँ से आकर अपनी एक कलीसिया का शुरुआत करेंगे। आज भी हम उन दिनों को याद करते हैं कि कैसे हम लोग पैसे इकट्ठा करके उस रेंट को भर रहे थे। और जैसे एक्ट्स में लिखा है कि वो एक संगति रखते थे, मिल बांट कर अपने खाना खाते थे और प्रभु की महिमा करते थे, बिल्कुल वैसे ही हमने शुरू किया। पिकनिक्स किए, इंडिया गेट में हम जाते थे, पार्क्स जाते थे, एक दूसरे की मदद कर हमने इस जर्नी को शुरू किया। ऑफकोर्स देर वर अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी बातें हुई इस जर्नी में, लेकिन फिर भी हम आज जब इस 10 साल को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, हमें केवल प्रभु के चमत्कार और बड़े काम ही याद आ रहे हैं। मगर ये सब इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। और मैंने 2007 में उस कलीसिया को शुरू करने की सारी तैयारी करी और पासबान ने मुझे जगह और किस समय जाना है ये सब बताया। मैं भी अपने पासबान के जैसे तैयार होकर, सूट पहनकर, टाई पहनकर, अपने सर्मन नोट, बाइबल सब कुछ लेकर जाकर प्रचार करने लगा। 2 घंटे की सर्विस मैंने करी और उस सर्विस में कोई भी नहीं आया और 1 साल तक मैं ऐसे ही खाली कुर्सियों को कई बार देखकर प्रचार किया है, क्योंकि मेरे मन में एक विश्वास था कि यीशु मसीह और स्वर्गदूत जरूर मेरे आराधनाओं को देखते होंगे और मेरे प्रचार को सुनते होंगे। उस तरीके से हमने हिंदी कलीसिया का शुरुआत किया था जो यूसुफ सराय करके एक जगह थी वहाँ पर 2007 में, और थोड़ा थोड़ा कलीसिया फिर बढ़ता गया। उसके बाद हमारे पास कलीसिया के लिए जगह नहीं थी। 2014 में ऐसा हुआ, पासबान ने मुझे अपनी मदर चर्च, जिसे कहते हैं फ्रीडम लाइफ सेंटर, उस चर्च से पासबान ने मुझे और मेरी पत्नी को चुना और कहा कि दिल्ली शहर में कलीसियाओं को निर्माण करने के लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। उस समय परमेश्वर ने हमें ऐसे कुछ परिवारों को, ऐसे कुछ कपल्स को हमारे जीवन में जोड़ा जो हमारे न्यू अर्थ को प्लान करने के लिए हमारे साथ खड़े रहे। अब 2014 के अप्रैल के 5 तारीख को जब हमने पहली आराधना शुरू करी, एक सुंदर सी जगह परमेश्वर ने हमें दी और वहाँ पर कई सारे लोगों को हमारे संग जोड़ा और जहाँ पर हमने अप्रैल 5, 2014 में एक कलीसिया शुरू करी। और एक दिन मैं बैठकर काम कर रहा था, मुझे एक वचन में पढ़ रहा था, उस वचन में लिखा था कि मैं ऐसी एक पृथ्वी को बनाऊंगा जो सदा मेरे सम्मुख में रहेगी। वो यशायाह की पुस्तक 66:22 में था। उसका मतलब था मैं एक ऐसी अर्थ को, ऐसी न्यू अर्थ को बनाऊंगा जो सदा मेरे सम्मुख में रहेगी। तो मेरे मन में एक आवाज उठी कि परमेश्वर एक ऐसे न्यू अर्थ को बनाना चाहता है जो पृथ्वी पर और आसमान में परमेश्वर के सम्मुख सदा खड़ी रहेगी। मुझे लगा कि प्रभु कह रहा है ये तुम्हारी कलीसिया का नाम है। उसी वक्त मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, मैंने कहा न्यू अर्थ सुनने में कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि न्यू अर्थ कम्युनिटी चर्च, हमें परमेश्वर ऐसी एक सभा को प्रभु बनाना चाहता है।
It's a great feeling to be here as a family. I received a great love, the support, the encouragement from this church. Especially, I want to take this opportunity to thank our pastor, Reverend Robertson, who is not only my pastor, but he is also my spiritual father, and he is my mentor and he is my teacher. मैंने इन 10 सालों में अपनी इस कलीसिया में काफ़ी कुछ बदलाव देखे. सबसे पहले मेरे जीवन में ही बदलाव आया कि मैं आत्मिक रूप से स्ट्रांग होने पाई, और मेरा परिवार जो पहले हम लोग कलीसिया नहीं जाते थे, हम लोग रेगुलर कलीसिया आने लगे. और मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हमें इतने अच्छे पासवान देने के लिए कि परमेश्वर ने हमें इतने दीन पासवान दिए हैं जो हमारे हर एक मुश्किलों में, हमारी हर एक परेशानियों में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. वैसे हमारे चर्च मेंबर्स ऐसे फील नहीं करते हैं, हम एक दिन के लिए एक रिलीजन इसमें जाकर आया ऐसे नहीं समझते हैं. हम एक फैमिली गेट टुगेदर होते हैं, फैमिली का जैसे ही हम फील करते हैं, हम ऐसे खुशी होते हैं. हम चर्च जाना तो ऐसे लगते हैं हमारे अपने में जाते हैं करके, फिर कहीं वो जाने की इच्छा नहीं होता है. चर्च को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल में कितना भी जगह बदला हो, कुछ भी किया हो, फिर भी हमने एक जगह में हम इकट्ठे होके हम आराधना करते हैं. इस चर्च में जुड़ने के बाद एक अपनापन है जो मेरे को जोड़ के रखा हुआ है इतने सालों से. मेरे को चर्च के अंदर बहुत अच्छे परिवार है हमारे कलीसिया के, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को इन 10 सालों में, और मैं बहुत खुश हूँ. संडे की जो आराधना होती थी हमारे लिए बहुत एक एक्साइटिंग होता था कि संडे हम जाना है करके चर्च को. हम लोगों का मेंस मीटिंग होता था एवरी सैटरडे को, तो उसमें भी हम सारे मेंस आते थे, अपने अपने शेयर करते थे परिवार के प्रति. उसमें भी कई चीज़ों को जो है बाइबल से कोट करके हमको उस राह में हमें चलाते थे. एक आध जैसे कि हम बाइबल के वचन में हम देखते हैं, एक बीट हो गया तो हम 99 को छोड़ के उसे एक के पीछे हम रहते हैं. तो वही हमारा पास्टर का एम होता है कि हम जो है, हम कभी कभी हो जाते हैं नहीं उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन फिर भी पास्टर बोलते हैं नहीं, जो खोया हुआ बीट है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इंसान एकदम से ही परफेक्ट नहीं हो पाता, एकदम से ही पूरा विश्वास नहीं हो पाता कि बताया कि जीसस हैं तो विश्वास हो गया या चमत्कार हो गया. विश्वास हमें भी अपने पास्टर पे भी करना पड़ता है, और बाइबल पे, उनके वचनों पे और परमेश्वर पे. सारी चीज़ें मिलके ही एक विश्वास को जन्म देती हैं, और उस पे जब इंसान चलता है तभी उसके साथ में जुड़े रहने का जो एहसास होता है, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो ये परमेश्वर का एक चमत्कार ही है कि मैं जो बच पाया हूँ वो प्रेयर की वजह से ही बच पाया हूँ, परमेश्वर के ही दया से, चंगाई से मैं बच पाया हूँ. और इसलिए मैं अपने चर्च से, अपने पास्टर से और परमेश्वर से सदा जुड़ा रहने का कोशिश भी करता हूँ, उनके वचनों पे चलने की भी कोशिश करता हूँ. Our pastor is set an example to show Jesus' love. So that love, you know, that I received from the church, not only from pastor, from the church also. So that is why I consider New York as a family, my own family. एक दिन का मुझे experience याद है कि मैं बहुत ही troubled था और बहुत ही depressed था, discouraged था, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी surgery होने वाली थी और बहुत सारे complications थे. तो वो सोच मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत चिंता हो रही थी. और मैं चर्च आया संडे के दिन, और चर्च की सीढ़ियाँ जब उतर रहा था और मैं कलीसिया में आ रहा था तो आराधना शुरू हो गई थी. और आराधना के समय जैसे मैं कलीसिया में दाखिल हुआ तो प्रभु का सम्मुख बहुत ही सामर्थ्य रूप से मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, और बड़ा सुकून और शांति मुझे महसूस हुई. और मुझे याद है तब परमेश्वर की आत्मा यही मुझे कह रही थी, तुम मत डर. तो उस दिन से जब कभी मैं कलीसिया में आता हूँ, मैं कभी परेशानी में हूँ या किसी बात से चिंताओं में हूँ, मैं इस आशा के साथ आता हूँ कि आराधना के समय परमेश्वर का सम्मुख यहाँ पर है, और परमेश्वर मुझे दिलासा देगा, मेरे जो सांत्वना देगा. और मेरा वो एक्सपीरियंस इस कलीसिया में ज़्यादातर नहीं, मगर हमेशा मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु का सम्मुख
मेरी इस कलीसिया में अगुवाई करता है। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैं कलीसिया में आकर प्रभु की आराधना करता हूँ। Why I am with this new earth is because मेरे हर एक स्टेज में, मेरे हर एक परेशानी में दिस न्यू अर्थ स्टूड विथ मी। हर एक जगह में पास्टर रॉबर्टसन गाइडेड मी इन एवरी पाथ। उनने कभी मेरे को कोई गलत सलाह नहीं दिया। व्हेनेवर मेरे को, अगर मैं खुदा की आवाज़ नहीं सुनता था तो पास्टर रॉबर्टसन इज़ द वॉइस ऑफ गॉड इन माई लाइफ, कि मैं कभी भी गलत स्टेप निकाल के नहीं रखा मैंने। और मैं इस चीज़ को विश्वास से बोल सकता हूँ, सिर्फ उस विश्वास एज अ ओबीडियंस। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, कितना भी अभिषेक में कितना भी ऊँचा क्यों ना उठ जाऊँ मैं, कितना भी दूर क्यों ना खुदा मेरे को पहुँचा दे, बट आई विल बी स्टिल अ चाइल्ड टू माई स्पिरिचुअल पेरेंट्स पास्टर आराधना रॉबर्टसन एंड पास्टर रॉबर्टसन। न्यू यॉर्क कम्युनिटी से पहले जो पास्टर की सेवकाई थी, मैं पास्टर के साथ शुरू से रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस इस कलीसिया के साथ हुआ है। मैं बीच बीच में इंटरवल्स में अपने रिलेटिव के साथ एक दो जगह गया हूँ, लेकिन जो अपनापन, जो प्यार, जो ओपननेस मुझे इस कलीसिया में मिलता है, वो बाकी जगह में से नहीं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मैं इस कलीसिया में एक फर्स्ट बिलीवर हूँ और मेरी बेटी ईडन, वो इस कलीसिया में फर्स्ट बॉर्न बिलीवर है। परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया इस कलीसिया में सेवकाई का, जो मैं मीडिया ग्रुप में हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है। हम दुनिया के हर एक कोने में पहुँचना चाहते हैं, और किसी के मन में कोई संदेश है, किसी के मन में भी कुछ प्रश्न है बाइबल के रिलेटेड, तो अगर वो सर्च करें कि उनके आंसर्स, उनके सवालों के जवाब हमारे मीडिया मिनिस्टर के द्वारा दिया जाए। New Earth Community to me is a family of God, first of all. Secondly, it's a pillar to build righteous lives, and thirdly, it's a place where we can meet God, His Spirit. Community शुरू हुआ था तब से हम एक साथ जुड़े हुए हैं इस चर्च से, और आज तक बहुत ब्लेसिंग है और बहुत कुछ पाया हमने इस चर्च से। मैं खोया हुआ एक बेड था, मगर न्यू ईयर्स चर्च जो है मेरे लिए एक इस धरती पर रहने का और खुदा का अंदर जीने का एक नया सीख मिला मेरे को ये न्यू ईयर चर्च में आने के बाद। यहाँ पर सबका नेचर बहुत अच्छा है, तो अच्छा लगता है यहाँ आकर और सबसे मिलकर एक फैमिली। न्यू हार्ट इज अ वेरी गुड चर्च। I spent here nearly 9 years, and one thing I have learned here, people are so amazing, good servant of God. The leadership of Pastor Robertson made people to shine whenever or wherever they work, and it's a very good place to be to build your faith and your confidence in your Christian life. यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ जो सुख दुख बांटते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है तो हम वहाँ खड़े रहते हैं। दूसरा, जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं सबकी फैमिली में, एक छोटी से छोटी जीत हो या बड़ी से बड़ी घर खरीदने जैसी बातें हो, ऐसी चीज़ें ये सब साथ मिलके मनाते हैं। हम इस कलीसिया में जब पहली बार आए तो जैसे लिखा था न्यू अर्थ, उससे हमें नया महसूस हुआ और नया एहसास को यहाँ पे मिला। इस कलीसिया में जुड़ने के बाद मुझे पता चला है कि मसीह जीवन क्या होता है, और ये कलीसिया मेरे को बहुत शांति देती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे हर हफ्ते आना और संगति में रहना। I've grown in the word of God more and more. I've been like a Christian since birth, but through teaching and worship, through fellowship, I felt that I have got a deeper longing for to know God, to know His people, to know about His kingdom, and this church has blessed me a lot. New Earth से community से हमको ये pastor पासवान जिस तरह से एक unity लेके चल रहे हैं, सभी को मिला के चल रहे हैं। I have learned so many things, especially the unconditional love, the fellowship of people. Once pastor said us, you have to be simple in your spiritual life and you have to be spiritual in your daily life. Whatever you do in for the church and for the church people, it's you are doing it for God. So do not expect anything that, you know, that the person has to appreciate or the person has to recognize you or remember. यहाँ पे परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छा से वचन को सीखा, प्रभु के वचनों को दिया रहा बुद्धि और ज्ञान मिला है मुझे, और पूरी संगति से, पूरी आदतों से छुटकारा मिला है मुझे। न्यू ईयर कलीसिया से हमने स्पिरिचुअल ज्ञान के अलावा अगर सीखा है तो एक दूसरे को समझना, सहन करना और एक दूसरे की
जरूरत में खड़ा रहना, वचन में डीप कैसे जाना है। यहाँ के पास्टर बहुत अच्छा है कि हम लोगों को सब कुछ साथ में लेके चलते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि परमेश्वर में कैसे पढ़ना, वचन में एक दृढ़ता होने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे सिखाया। I wish to see New Earth Community as one of the main churches in Delhi, with a huge seating capacity and like thousands and lakhs of people coming together and worshiping God. And I see this as a pillar that will not only shape lives, but it will be like a salt and light. आने वाले 10 सालों में हम 1000 से भी ऊपर, आने वाले 10 साल के अंदर हजारों में इसको होने के लिए कोशिश करता हूँ, डेली दुआ करता हूँ। मैं यूथ को बहुत ऊंचा देखना चाहती हूँ और बहुत बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। I would like to see this church be in a larger portion of Delhi and India as well, and we can see a member of this church shake this city of Delhi. Youth community is like a journey. Like Abraham started from the base world, like we have started from Delhi, and this will expand in the next 10 years. We believe, we pray God, and sure, definitely it will happen. 2 साल में इतना कुछ देखा, 10 साल में तो बहुत 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 ये बहुत ही उन्नति के ओर जो है आशीष के ओर जाएगा। 10 साल में दुगना होगा इस कलीसिया। आने वाले 10 सालों में हम न्यूयॉर्क को अगले मुकाम पे देखना चाहते हैं। मैं आने वाले 10 साल में इस कलीसिया को पूरा दिल्ली में ऐसा फैलता हुआ देखना चाहता हूँ, पूरा दिल्ली का दिल जीते और पूरा दिल्ली का सारे यहाँ के जनता को जीते। इसके बाद दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर बहुत सारे जगहों पे ये न्यू अर्थ कम्युनिटी को फैलता हुआ और बढ़ता हुआ परमेश्वर बढ़ाए, ऐसे मैं देखना चाहता हूँ।